है। दो दिन पहले मैंने भाभी जी को मार्केट में देखा, किसी आदमी के साथ। मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की। ऐसे नहीं भाई, करगिल तक आवाज जानी चाहिए। दोनों हाथ खड़ा कर उठाकर पराक्रमी सैनिकों के श्रद्धांजलि में मुट्ठी भींच कर प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय मदन लाल सैनी जी और मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्वगण और आज पूर्व सैनिक गौरव सम्मेलन में आए हुए इस शेखावटी के धरती के वीर रणबांकुरों और शहीद परिवार की वीरांगना मातृशक्ति और भाई और बहनों, सबसे पहले मेरी बारी और बड़ी संख्या में शहीद परिवार की वीरांगना मातृशक्ति है, उनके बलिदान और उनके गौरव में मैं उनके चरणों में मेरा प्रणाम करकर बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आज वीरों की भूमि शेखावटी में आप सबके सामने उपस्थित होकर बात करना मेरे जीवन में मेरे लिए बहुत गौरव का विषय है, क्योंकि भारत का हर व्यक्ति जो सेना में नहीं है वो जानता है कि सीमाओं के अंदर सुरक्षित रहकर अपने परिवार के साथ वो होली और दीपावली मनाता है। उसका कारण सेना का जवान 46 डिग्री डोम ढक की धूप में रेगिस्तान में और -46 डिग्री में ले लद्दाख में अपने शरीर को गलाकर जो पराक्रम करता है उसी के कारण वो सुरक्षित। और ये भाव केवल मेरे मन में नहीं है, ये भाव देश की समस्त जनता के मन में, देश का बच्चा बच्चा सेना के वीर जवान के प्रति हमेशा नतमस्तक होता है। और ये तो ऐसा प्रदेश है जिसने देश को सबसे ज्यादा जवान दिए, सिर्फ शेखावटी के अंदर ही लगभग 70,000 से ज्यादा फौजी अगर किसी एक क्षेत्र ने दिखे दिए हैं तो मुझे कहते हुए बड़ा गर्व और फख्र हो रहा है इस शेखावटी की भीड़ भूमि ने। शहीद भी अगर कहीं मोर्चे पर सबसे ज्यादा हुए हैं तो शेखावटी की भूमि ने मोर्चे पर भी वीरता दिखाने में कोई कमी नहीं। आज मेरी माताएं यहां बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, सिर्फ कारगिल युद्ध के अंदर 114 से ज्यादा इस क्षेत्र के जवान शहीद हुए थे, मगर आज भी यहां से सेना में जाने वालों की गिनती कम नहीं हुई है, बड़ी है। यही बताता है कि माटी के अंदर कितनी वीरता बढ़ी। माताओं बहनों, वीर जवानों, आज देश के अंदर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी कोई आजकल से राजनीति के अंदर नहीं, बहुत सालों से हमारा सत्ता में तो समय कम गया, विपक्ष में ज्यादा गया, हम कम चुनाव हारे हैं, बहुत कम चुनाव जीते हैं, सैकड़ों चुनाव हारे, मगर हम विपक्ष में थे तब भी हमारी प्रायोरिटी, हमारी प्राथमिकता सेना का वीर जवान और सेना के शहीद होते हैं। और जब हम सत्ता में आए, एक दो जगह नहीं आए, देश में 19
सुन ली, इस राज्य में सरकार है, केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार है, और जब हम सत्ता में आए तब भी हमारी प्रायोरिटी सेना का जवान और वीर शहीद के परिवारजन, उनके कहते हुए जरा भी क्षोभ नहीं, जरा भी शर्म नहीं। मैं दावे के साथ, गिनती के साथ गिना सकता हूं कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और कांग्रेस की सरकार आई, दोनों के बीच का अंतर साफ दिखाई। भारतीय जनता पार्टी आई, इसकी सरकार आई, चाहे वो अटल जी की हो, चाहे नरेंद्र भाई की, सेना के वीर जवानों का सम्मान करने में हमने कोई कसर नहीं, उनकी सुरक्षा के लिए, इनके सम्मान के लिए हमने कोई कसर नहीं। चौहू वर्ष से परमाणु शक्ति का डर था और हमारी सेना का हौसला बुलंद करने की जरूरत थी। वैज्ञानिकों ने तो परमाणु शक्ति कब की प्राप्त कर ली थी, मगर किसी में राजनीति की इच्छा शक्ति नहीं थी, साहस नहीं था परमाणु विस्फोट करने का। यही राजस्थान की वीरभूमि पर अटल जी के समय में पोखरण का विस्फोट कर आज भारत परमाणु क्लब के अंदर शामिल हुआ। और देश की सुरक्षा के लिए, देश के जवानों की सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक, दुनिया में सबसे आधुनिक साधनों से, हथियारों से सेना को लेस करने की शुरुआत अटल जी के वक्त सत्तर साल से सेना का जवान अपने परिवार के सम्मान के लिए एक मांग लेकर बैठा था 70 साल से, कि वन रैंक वन पेंशन जो सिविल सेवा में है वो ही सेना के जवानों को दिया जाए। 55 साल तक कांग्रेस की सरकारें रही, मगर कांग्रेस की सरकारों के पहले कान पर सेना के जवानों की, उनके परिवारों की, शहीदों की, विधवा की मांग नहीं पहुंची। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार आई, एक ही साल में हमने फैसला किया कि सेना के हर जवान को वन रैंक वन पेंशन देने का काम समाप्त कर देंगे, और आज 70 साल पुरानी मांग समाप्त कर दी गई। मित्रों, 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम सेना के जवानों के बैंक अकाउंट में, शहीद की विधवा के बैंक अकाउंट में सीधी ट्रांसफर करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और इसके अलावा लगभग सामान्य पुनर्वास निदेशालय ने 4 वर्षों में 3 लाख से ज्यादा निवृत्त सेना के जवानों को कोई न कोई काम में लगाने में सफलता प्राप्त की है। आजादी के बाद ये आंकड़ा सबसे बड़ा है। और मित्रों, हमारी सरकार बनी उसके पहले, ये माताओं के आशीर्वाद से भाजपा की सरकार बनी उसके पहले, सेना के परिवार और सैनिकों के स्वास्थ्य की देखरेख के लिए सिर्फ 1200 स्वास्थ्य संस्थाएं थी, सिर्फ 1200। इतने बड़े देश में 50 लाख का सेना का जो सर्विस में है और जो निवृत्त है परिवार, 50 लाख परिवार के लिए 1200 संस्थाएं थी, नरेंद्र मोदी सरकार आपने बनाई, और नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद ये 1200 संस्थाओं से बढ़ाकर आज 2609 संस्थाएं सेना के परिवारों की स्वास्थ्य की चिंता करती है, हरेक प्रकार के स्वास्थ्य की चिंता करने का काम ये 2609 सेना संस्थाएं कर रही है। मित्रों, राजस्थान सरकार ने भी सिर्फ 6 माह फौज में रहे फौजी को 5,000 रुपये का पेंशन देने की बात करी। अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया 1700 से ज्यादा शहीद जवानों के घर पे जाकर शहीदों के प्रति सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा राजे सरकार ने किया है। मैं मानता हूं देश में एक अकेली सरकार है वसुंधरा राजे जी की, भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान सरकार, जिसने हर शहीद के घर पहुंचने का एक पवित्र प्रयास किया है और उनको श्रद्धांजलि देने का। देश के जवानों के लिए साइकिल का भत्ता दुगुना कर दिया, फील्ड भत्ता 4 गुना दिया,
विभिन्न भत्तों में 100% से 400% तक की वृद्धि की, अनेक प्रकार के रोजगार देने के लिए निवृत्त सेना के जवानों को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और सबसे बड़ा काम किया है मित्रों, तो जिसके लिए सेना का जवान अपने परिवार छोड़कर, बाल जुवानी में अपनी पत्नी को छोड़कर, बूढ़े माँ बाप और बच्चों को छोड़कर अपना शरीर रेगिस्तान और बर्फीले पहाड़ों पर गलाता है, वो वीरता को खुला मौका देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एक जमाना था, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, सामने से गोलियां आती थी, यहां से जवाब देने का मौका नहीं था। जनरल साहब दिल्ली के संदेश की राह देखते थे, नरेंद्र मोदी की सरकार आई, आज किसी को कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। मोर्चे पर सेना का जवान डटा है, उसको मालूम है सरकार बदल चुकी है, प्रधानमंत्री बदल चुके हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार है, वहां से गोली आती है, यहां से गोले से जवाब देने की कोई दिक्कत नहीं। और इसी का कारण है कि जो नुकसान होता है वो उस और अब दो गुना। 600 से ज्यादा आतंकवादी मार दिए गए, 300 से ज्यादा नक्सलाइट मार दिए गए, और उस और कई सेना के जवान और रेंजर्स को मां शहीद होने का मौका पहली बार आजादी के बाद भारतीय सेना ने दिया है। तो ये जो बदलाव आया मैं मानता हूं देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। 70 साल से हम देखते थे, 90 के दशक से देखते थे, पाकिस्तान छद्म रूप से भारत की सुरक्षा में सेंध लगाए रखता था, मगर इसका कोई तोड़ नहीं। हर रोज आए भी आलिया मालिया जमालिया भारत के अंदर घुसकर अपने सेना के जवानों पर गोली चलाकर कायरतापूर्ण हमले करते थे, भारत सरकार की ओर से कोई जवाब की परमिशन नहीं, उन्हीं में उन्होंने गलती कर दी। बड़े सवेरे तड़के 3 बजे सेना के जवानों पर हमला किया, हमारे सेना के 12 जवान जिंदा जला दिए गए, उनको लड़ने का मौका भी नहीं दिया, सोते हुए जला दिया। एक कायराना हमला हुआ, देश भर में गुस्सा, हताशा, निराशा, आक्रोश कि अब क्या होगा, सबको था अब क्या होगा। ज्यादा से ज्यादा नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री जी एक स्टेटमेंट करेंगे, मगर इस बार मौनी बाबा मनमोहन की सरकार नहीं, प्रधानमंत्री बदल चुके थे, नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 10 दिन में देश के प्रधानमंत्री ने सेना के रणबांकुरों को हुक्म दिया कि जाइए, सर्जिकल स्ट्राइक करिए, घर में घुसकर अपने सेना के जवानों का बदला लेकर आइए। और हमारे रणबांकुरे गए, एक भी शहीद हुए बगैर सैकड़ों शहीद कर आज हमारे रणबांकुरे वापिस। मित्रों, कांग्रेस के मित्रों को इसकी हिम्मत मालूम नहीं, मुझे मालूम है। राहुल गांधी के स्टेटमेंट में उस वक्त देखा था, उन्होंने एक लज्जाजनक निवेदन किया था कि मोदी जी अब सेना के जवानों के खून की दलाली करते, किस प्रकार का स्टेटमेंट दिया था। राहुल गांधी जी, आपको जवानों के शहीद की जज्बे की क्या मालूम, आपकी आंख पर इटालियन चश्मा है, आपको मालूम नहीं है शहीद के मन में क्या होता है, और आपको यह भी मालूम नहीं है कि सर्जिकल स्ट्राइक से क्या हुआ है। सर्जिकल स्ट्राइक होने के पहले मेरे वीर भाइयों बहनों, माताओं बहनों, सर्जिकल स्ट्राइक होने के पहले पूरी दुनिया में 2 ही देश ऐसे थे जो अपने जवानों का शहीदी का बदला दे, एक अमेरिका और दूसरा इसराइल। ठीक सर्जिकल स्ट्राइक समाप्त हुई, वो 2 देशों की सूची में मेरे और आपके महान देश भारत का नाम तीसरा जुड़ गया कि ये देश है जो सेना के जवानों के बदले के लिए सर्जिकल स्ट्राइक कर बदला लेने का मादा रखता है। मैं मानता हूं मित्रों, भारत को देखने का नजरिया बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 20 साल तक सेना को आधुनिक कैसे बनाया जाए, इसको सुसज्ज कैसे
किया जाए, इसकी संख्या व्यवस्था में क्या तब्दील लाई जाए, इसके जवानों की लड़ने की तकनीक में क्या बदल दिया जाए, इस प्रकार के शस्त्र अस्त्र लाए जाए, इस सारी चीजों का 20 साल का रोड मैप बनाने का काम आजादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और मित्रों, मोदी जी ने कहा 2022 में पूरी दुनिया में सबसे आधुनिक सेनाओं में से एक सेना भारत देश की सेना होगी, इस प्रकार से हम आगे। मित्रों, जय जवान जय किसान का नारा जो कवि शास्त्री जी ने दिया था, कांग्रेस सरकार किसानों को भी भूल गई, जवानों को भी भूल गई। वन रैंक वन पेंशन कभी नहीं दिया हमने, वन रैंक वन पेंशन देने का वादा किया, और किसानों को चाहिए था अपनी फसल का वाजिब दाम, वो भी नहीं मिलता। 70 साल से देश का किसान ये मांग करता था कि मेरी फसल के मुझे वाजिब दाम मिलने चाहिए, और मित्रों ये 1.5 गुना लागत से 1.5 गुना दाम जो किसान मांगता था वो देने का काम सरकार ने नहीं किया, और आज तक वो दाम बढ़ोतरी नहीं हुई। कुछ दिन पहले रबी की फसल में हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी कि रबी की फसल खरीफ की फसलों में लागत से 1.5 गुना मूल्य दिया जाएगा, मगर सबको था कि रबी आएगी तो प्रधानमंत्री क्या करेंगे। और एक मांग और थी कि फसल को बोलने से जब उस वक्त मालूम नहीं है कौन सी फसल के कितना मूल्य मिलेगा, तो कौन सी फसल बोना वो भी मालूम नहीं था, अभी रबी बोने की देर है, प्रधानमंत्री जी ने रबी फसलों का भी 1.5 गुना मूल्य करने की शुरुआत कर दी है। छोटी बात नहीं है, गेहूं हो, बाजरा हो, मक्का हो, दलहन हो, तिलहन हो, कपास हो, हर प्रकार की फसलों 2 गुना 1.5 गुना समर्थन मूल्य। मैं मानता हूं कांग्रेस कभी इसकी कल्पना भी नहीं कर सकती थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक करने का काम किया है। किसानों के लिए कई सारी योजनाएं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री इरिगेशन योजना, यूरिया की किल्लत दूर करना, नीम कोटेड यूरिया देना, फसलों का मुआवजा, अगर सूखा पड़ जाए बाढ़ आ जाए तो मुआवजे को 2 गुना किया, मुआवजे के लिए जो एरिया था उसको भी 2 गुना करा, और जो खराब 50% हो तभी मुआवजा मिलता था उसको बदलकर 30% खराबे में मुआवजा देने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मित्रों, गेहूं के दाम 1840 रुपया, मसूर 4400 रुपया, सरसों 4200 रुपया, चना 4600 रुपया, और जौ 1440 रुपया। इतना बड़ा दाम देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है, और मित्रों 1 किलो फसल भी किसान के घर में न रह जाए इसकी चिंता भी वसुंधरा राजे और नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से। तो जय जवान जय किसान का नारा जो शास्त्री जी देकर गए थे, वो जय जवान जय किसान के नारे को कांग्रेस पार्टी ने पूरा नहीं किया, मगर इसे कई सालों के बाद आज देश का जवान और देश का किसान दोनों को खुशहाल करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। गांव के अंदर खुशहाली पहुंचती है तो हरेक के लिए, हर गरीब के लिए गांव में खुशहाली भेजने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। देश के 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का कुछ भी स्वास्थ्य का खर्चा होगा, हॉस्पिटलाइजेशन, ऑपरेशन, दवाइयां, टेस्ट, ऑपरेशन के बाद की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था 5 लाख तक की भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार और वसुंधरा सरकार उठाने वाली, जो छोटी बात नहीं। देश के 50 करोड़ गरीबों को अपने जीवन को अच्छे तरीके जीने की शुरुआत नरेंद्र मोदी सरकार ने, 5 करोड़ गरीब महिलाओं को गैस का सिलेंडर
जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 7.5 करोड़ में शौचालय बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 2 करोड़ गरीबों को घर देने का काम, 2 करोड़ गरीबों को बिजली पहुंचाने का काम और 13 करोड़ से ज्यादा युवाओं को मुद्रा बैंकिंग लोन पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो राजस्थान के अंदर चुनाव आने वाला और उसके बाद मई में अप्रैल में देश का चुनाव आने वाला है। देश का चुनाव आएगा, कांग्रेस ने अभी से तैयारी कर ली। उनकी तैयारी किसान को मदद करना नहीं है, शहीदों के परिवार को मदद करना नहीं है, गांव में बिजली पहुंचाना नहीं है, पानी पहुंचाना नहीं है, स्वास्थ्य पहुंचाना नहीं है। उनकी तैयारी है जात पात के अंदर भेद कराना, उनकी तैयारी। उनकी तैयारी है धर्म धर्म के बीच में भेद कराना, उनकी तैयारी है। और मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीब को सुख की सुविधाएं और देश को सुरक्षा देने में मानती है, किसान को अपनी फसल का वाजिब दाम देने में मानती है। और अभी अभी जो एनआरसी लेकर आए हैं, एनआरसी के माध्यम से देश में से हम तय किया है, अभी आसाम से शुरुआत की। आप इतने सारे वीर जवान और शहीद परिवार की वीरांगनाएं बैठी, मुझे बताइए घुसपैठियों को देश में से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जरा जोर से बोले, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? एनआरसी के माध्यम से आसाम में 40 लाख से ज्यादा घुसपैठियों को कदम दृष्टिया हमने चिन्हित कर दिया, उनको निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली है। और आप 19 में नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दीजिए, 19 के बाद देश में से एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर सीमा के पार पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी। आज ये रोहिंग्या घुसपैठियों को वापिस म्यांमार में भेजने की शुरुआत भले टोकन है, मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। जो घुसपैठियों से मुक्त देश बनाने का मोदी जी ने संकल्प किया है। हजारों की संख्या में यहां सैन्य परिवार के परिवारजन, रिटायर्ड जवान, सेवानिवृत्त जवान बैठे हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आप लोग मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे क्या? क्या जोर से बोले, हम सब 20 और 25 और भी मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे, राजस्थान में सरकार बनाएंगे, कमल के निशान को जिताएंगे, 19 में मोदी जी की सरकार बनाएंगे, 18 में भाजपा सरकार बनाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर देश की सुरक्षा का संकल्प करने की मुट्ठी भींच कर प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। फिर से एक बार शहीद परिवारों की वीरांगना मातृशक्ति को इनके चरणों में प्रणाम करकर मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की।